हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डेली क्राइम को, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेली क्राइम ये वेब सीरीज 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 65 मिनट के बीच का है। और हाँ, इस सीरीज का दूसरा सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी बेस्ड है 2012 में हुए निर्भया गैंग रेप पर। और इससे ज्यादा मैं आपको इसकी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। और अगर आपको डिटेल में ये कहानी जाननी हो तो आप इस सीरीज को देख सकते हो या फिर पुरानी न्यूज देख सकते हो। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब कि यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस स्क्रीन प्ले को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज एक असली घटना पे आधारित है और उसके ऊपर से जिस तरह से इस कहानी को एग्जीक्यूट किया गया है वो हमें अंदर से हिला देता है। और हम इस सीरीज को देखते वक्त कई बार गिल्टी फील करते हैं कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस सीरीज को देखते वक्त मैंने एक इमोशनल जर्नी फील करी जो कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और जो चीज़ मुझे सीरीज की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इस सीरीज़ में हर एक चीज़ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। यानी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, जनता की सोच, विक्टिम और उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं। और हर एक चीज़ को इतने ज़्यादा हार्ड हिटिंग तरीके से लिखा और एग्जीक्यूट किया गया है कि अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप इस सीरीज़ को देखते वक्त कई बार रो पड़ोगे। और जो कुछ सीन्स को बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीधा सीधा हमारे सामने पेश किया गया है वो इतने ज़्यादा इमोशनली हार्ड हिटिंग है कि हम बस हमारे इमोशंस के साथ बहते चले जाते हैं। और जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो आपको इस सीरीज में बहुत ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाला या फिर सरप्राइजिंग ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक ट्विस्ट आपको इस सीरीज और इसके कैरेक्टर्स के साथ जोड़ते चले जाएगा और आप चाहोगे कि ये जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं। और हाँ, मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीरीज इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती है। ये सीरीज बस इमोशंस पे फोकस करती है और हर एक कैरेक्टर की जो इमोशनल जर्नी हमें इस सीरीज में देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक बात है इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मुझे तो इस सीरीज में एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये सीरीज थोड़ी स्लो लग सकती है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप किसी की भी बात करो, इन सभी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और इन सबकी जितनी तारीफ की उतनी कम है, क्योंकि इन सभी ने अपने कैरेक्टर को इतने ज्यादा अच्छे से प्ले कराया कि हम उनके कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। और जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब सच में यार, डायरेक्टर ने जिस तरह से हर एक सीन में हार्ड हिटिंग इमोशन डाले हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि बस मजा आ जाता है। और डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एडिटिंग भी सीरीज की अच्छी है। और जहां तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है जो कि आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी, बस सोचने पे मजबूर कर देगी। तो मेरी तरफ से तो ये वेब सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।